इंतजार और उम्मीद की सीमा एक दिहाड़ी मजदूर ही बता सकता है। हाथ पर हाथ धरे ये मजदूर हर चौराहे पर आपको बैठे मिलेंगे, सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। पहले नौकरी करते थे, वो कोरोना के बाद छूट गए हमारी। अब ऐसा ही हमारा खाना पीना चलता रहता, कभी महीने का कभी 10,000 कमा लिया, कभी 9,000, कभी 8,000, कभी महीने का 5,000 रह जाता। 84 के 4 साल के बाद यहाँ आए दिल्ली में। और क्या काम ओ मिस्त्री काम करते थे उस टाइम में 100 रुपया का दिहाड़ी था, 100 से बड़ा 800 रुपया हुआ है, 700-800 मिलता है, तो अब कामे नहीं है। सुबह हम नोएडा के लेबर चौक पर पहुंचे, ना कोई कंपनी आई ना ठेकेदार। सरकार दिहाड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन भत्ता तय करती है। कोरोना के बाद ज्यादातर जगहों पर वेतन भत्ता बढ़ा है, मगर जब महीने में सिर्फ 4-5 दिन काम मिलता है तो दिहाड़ी मजदूर मासिक वेतन भत्ते का आधा भी नहीं कमा पाते हैं। कई तरह की सरकारी योजनाओं से लोग वाकिफ हैं, इनके पास श्रम कार्ड भी हैं, मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। 3 दिहाड़ी लगती है मान लो किसी की भी पूरे महीने में, या आधी दिहाड़ी मिलता 3 दिन के हिसाब से, तो क्या बचागा था, क्या खाएगा था, क्या क्या बच्चों को देगा। ये जो ये कार्ड बनाते हैं लेबर कार्ड, ये भी बेकार बना रखा है। करीब 10 बजे नोटबंदी, महामारी और अब बेरोजगारी से त्रस्त दिहाड़ी मजदूर दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के चौक पर उम्मीद जरा खोते हुए दिखे। मजदूरों को राशन का लाभ तो है, लेकिन यहाँ भी समस्याएं हैं। गांव के राशन कार्ड से खरीदने पर 8 से 10 किलो राशन कम मिलता है। औरतों की आप बीती कुछ अलग है, औरत होने की वजह से दिहाड़ी और भी कम मिलती है। अच्छा लगा कि एक मर्द ने उनके हक की आवाज उठाई। यहाँ पर लेडीज भी लोग काम करती है, लोग लेडीज लोग भी दिहाड़ी नहीं मिलती है। लेडीज को क्या, हम लोग से कम काम करती है, हम लोग ज्यादा ही काम करती है। बाकी ये लोग का दिहाड़ी मिलता है 400 रुपया, 350 रुपया ही मिलता है। कब से बैठे हुए आप लोग यहाँ पे? अभी कब से बैठे हुए? 9 बजे से। 9 बजे से पहले इतनी बढ़िया था, मजदूर बढ़िया कमाते, बढ़िया खाते। करीब 12 बजे हम दिल्ली के मोती नगर चौक पहुँचे। यहाँ काम की उम्मीद तब तक निराशा में बदल चुकी थी। अब शाम के 4:30 बज चुके हैं और कई मजदूर निराश होकर घर वापस जा चुके हैं। ये जो अमीरी और गरीबी के बीच की सरहद है, ये इन्होंने नहीं बनाई है, ये इन पर आ गिरी है। मजबूरी, लाचारी, भूखमरी और बेरोजगारी के रूप में ये जो लोग हैं, ये अपने ही देश में एक शरणार्थी की तरह जी रहे हैं। ले अच्छा हाँ, इन्हें अब आजकल लाभार्थी भी कहा जाता है, तो इन्हें लाभ और अच्छे दिन कब मिलेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। ये अपनी रोज की जिंदगी इसी उम्मीद के साथ काट रहे हैं कि इनका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। मैं हूं शुभांगी डेढ़गवे, कैमरा पर्सन सुदेश कुमार राम के साथ NDTV इंडिया के लिए।